इस वक्त बड़ी खबर पाकिस्तान से है, वो हम अपने दर्शकों को बता दें। मरियम नवाज का इमरान सरकार पर हमला। इमरान टीवी पर आए तो बच्चों को हटाएं। मरियम नवाज की माताओं से अपील कि अगर इमरान आते हैं टीवी पे तो बच्चों को हटा दें। ये इमरान पर बड़ा हमला बोला है मरियम नवाज ने। इमरान टीवी पर आए तो बच्चों को हटा दे, इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दरअसल हम अगर पीओके की बात करें तो पाकिस्तान में जो इस वक्त हलचल है और कहा जा रहा है कि गृह युद्ध जैसे हालात हैं, उसको लेकर क्या बड़ी खबर है, ये हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं। एक बार फिर से मैं अब दूसरे गेस्ट का रुख करती हूँ, एम्बेसडर पिनाक रंजन, पूर्व राजनयिक। सर, वक्त वक्त पे ऐसी बातें आती रही है और 2 साल पहले सेना प्रमुख का भी स्टेटमेंट आ गया था कि अगर संसद चाहे, संसद इजाजत दे, तो पीओके के लिए सेना तैयार है। ये तैयारियां किस तरीके से होती हैं? देखिए, ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग चल रहा है। पीओके पे हमारा जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो तो बड़ा क्लियर है, बहुत पुराना है, वो आज क्या आज का नहीं है। पर ये कहना कि सेना ने तैयारी शुरू कर दी, ये तो मैं नहीं मानता। सेना प्रमुख जिसने कहा था कि अगर संसद चाहे, अगर सरकार चाहे, ये अगर जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है। अगर संसद चाहे, अगर सरकार चाहे, तब सेना तैयारी कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। सेना को जो आदेश सर, बस मैं एक सवाल ऐड करना चाहती हूँ इसी के साथ। दरअसल अभी पुतिन मॉडल जो है दुनिया देख रही है, और कुछ देश ऐसे भी पश्चिमी देशों को छोड़ दे जिसमें भारत की भी भूमिका इसी तरीके की रही है कि वो अपने नीति को लेकर, अपने भविष्य रणनीति को लेकर वो कदम उठा रहा है रूस, तो क्या पुतिन मॉडल का इस्तेमाल भारत कर सकता है पीओके के लिए? कोई पुतिन मॉडल नहीं है, मैं इसमें विश्वास नहीं करता। पुतिन मॉडल जो है, जो यूक्रेन में हम देख रहे हैं, वो कोई खास मुझे अच्छा मॉडल नहीं लग रहा है। तो इसलिए उस मॉडल का कोई यहाँ जिक्र करना तो एकदम बेफजूल की बात है। वो डिफरेंट सिचुएशन है, ये हमारे यहाँ डिफरेंट सिचुएशन है। हमारे यहाँ अभी सीज फायर भी चालू है। हाँ। थोड़ा बहुत उल्लंघन होता रहता है क्योंकि पाकिस्तान अभी भी आतंकवादियों को भेजता रहता है, पर अभी तो पाकिस्तान अपने अंदरूनी जो उनके पॉलिटिकल इश्यूज है उसको लेके व्यस्त है। तो अब देखा जाए क्या होता है इस्लामाबाद में, OIC के सम्मेलन के बाद वहां पे क्या होता है, वो नो कॉन्फिडेंस वोट वगैरह जो आया है क्या होता है। ये तो खैर पाकिस्तान में होता रहता है, तख्ता पलटता रहता है। जब आर्मी चाहती है तो वो प्रधानमंत्री के को हटाना अगर चाहती है तो वो पीछे से शुरू कर देते हैं अपनी साजिश। पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ जिन्होंने 5 साल की पूरी, मतलब जो मियाद है, पूरी की है। ये 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 इतिहास हमको रखना चाहिए अपने ज़हन में।